राजस्थानी अकादमी ने दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में 30वीं राजस्थानी लोक नृत्य प्रतियोगिता और 8वीं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर अकादमी के अध्यक्ष गौरव गुप्ता ने बताया कि राजस्थानी अकादमी की स्थापना 32 साल पहले हुई थी। ये अकादमी दिल्ली में इस तरह के आयोजन कर राजस्थानी कला और संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। इस साल राजस्थानी लोक नृत्य प्रतियोगिता में दिल्ली NCR के 27 स्कूलों के 250 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया, तो वही कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। पिछले 32 साल से राजस्थानी लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है, जिसमें आज 30 स्कूलों के लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया है। और ये हम 30 साल से कर रहे हैं, 2 साल कोरोना के छोड़ने पड़े हमें, तो इसके अंदर अब तक 10,000 बच्चे भाग ले चुके हैं। डांस कंपटीशन के अलावा इसमें एक पेंटिंग कंपटीशन भी था, जिसमें बच्चों ने अपनी एंट्रियाँ भेजी हैं। आज उनके विजेताओं को यहाँ पुरस्कार दिया जाएगा। इन सब के साथ आज हमारा 6ठा सुभाष लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार भी है, जिसमें 1,00,000 रुपए की नकद राशि और एक प्रशस्ति पद दिया जाता है। ये पुरस्कार आज श्रीमती सोनिका शर्मा मथुरा से आई हैं, जो जिन्होंने अपने माता पिता की और समाज की बुजुर्गों की सेवा करी है, उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा राजस्थान अकेडमी है दिल्ली के अंदर, एक बहुत पुरानी और प्रतिष्ठित संस्था है, जो पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम कर रही है। हमारे सिग्नेचर कार्यक्रम के अंदर राजस्थानी कवित्री सम्मेलन, पिकनिक और तीज फेस्टिवल, और इसके अलावा जितने भी अपने राजस्थान संस्था दिवस, राजस्थानी दिवस का प्रोग्राम राजस्थान संस्था के साथ, और कई सारे राजस्थानी आर्ट एंड कल्चर एंड फूड प्रमोशन के लिए हम करते रहते हैं। आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है, इसको मैं कहूँगी त्रिवेणी का संगम। त्रिवेणी इसलिए कि 30वां राजस्थानी लोक नृत्य प्रतियोगिता, 6ठा श्रवण कुमार सुभाष लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार और 8वीं चित्रकला प्रतियोगिता, इन तीनों का समागम आज के कार्यक्रम में हुआ। बच्चों का उत्साह, विद्यार्थियों का उत्साह, शिक्षक गणों का उत्साह इतना ज़बरदस्त है कि उनको देखकर मन खुशी से झूम जाता है। और इस कार्यक्रम को निरंतरता हमेशा मिली है, पिछले 32 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन हाँ, पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम हम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने ऑनलाइन का फ़ायदा उठाते हुए जूम पर ये प्रोग्राम किया, नृत्य महोत्सव, जो कि 1 दिन 4 घंटे तक चला। लेकिन फिर भी हम सारी प्रविष्टियों को, हम उनका प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए, तो हमें दोबारा से 1 दिन और तय करना पड़ा। और उस दिन ये डांस महोत्सव की जो एंट्रीज थी, उनका हमने परफॉर्मेंस किया और वो भी चला 4 घंटे तक। तो ये जो निरंतरता है, ये अपने आप में बहुत ही खुशी देती है। उत्साह सबका है, ये देखकर हम भी उत्साहित हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस कार्यक्रम का संचालन करने में और सबकी खुशियाँ देखने में।